हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। फ्रेंड, जैसे अभी आने वाला समय है, जैसे कि नवरात्रे कुछ समय के बाद आने वाले हैं, फिर दशहरा, फिर दिवाली। हाँ, गवर्नमेंट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, हमें उसको फॉलो कर अपनी रिफ्रेश करना है अपने आप को। थोड़ी सी घर में जो भी प्रोटोकॉल फॉलो बाहर हैं करने पड़ते हैं, लेकिन घर में फिर आप ये त्यौहार अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिए जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है। लेकिन हमारे घर में बहुत सारे फ्रेंड इन त्यौहारों के सीजन में, जो आने वाला अभी समय है सर्दियाँ आने तक, नए नए मेहमान, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर ला रहे हैं। बहुत सारे अभी रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारे डॉग के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि अब मैं लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि ये एक हमारी इस टाइम में लाइफ चेंजिंग चेंजर की तरह काम कर रहे हैं, कि बहुत सारे आर्टिकल, आप बार बार कहता हूँ, आर्टिकल पढ़े होंगे आपने। और ये हमारे जो पेट हैं इस समय हमारी लाइफ का एक मेन सूत्रधार, या कह लो कि मेन कड़ी है हमारी लाइफ की। तो बहुत सारे ऐसे ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे कि कौन सा पेट लूँ, कैसे लूँ, कैसे संभालूँ। तो हमारे वैसे हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं कि डॉग को लेने से पहले क्या प्रिकॉशन लेना है, रखना कैसे है, खान पान में क्या देना है। और बार बार लोग पूछ रहे थे एक्सेसरी, सर आप खान पान के बारे में सब बताते हो और सब चीज़, लेकिन आप ये नहीं बताते कि किस किस चीज़ में क्या क्या एक्सेसरी और किस मौसम में क्या क्या एक्सेसरी की ज़रूरत होती है। तो आज का छोटा सा वीडियो अबाउट योर डॉग, जब आप पपी छोटा लो तो बहुत सारी कंपलसरी एक्सेसरी क्या होती है उसके बड़े होने तक। सभी एक्सेसरी में फ्रेंड आपको www.bholachola.com या ऐप में, हम ऑल ओवर इंडिया हर चीज़ डिलीवर करते हैं। कुछ भी ऑर्डर कीजिए, आप तक पहुंचाया जाएगा जहां भी। यहाँ कोविड के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, उसके लिए हमारी कस्टमर केयर सर्विस है, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टार्टिंग करता हूँ छोटी एज से। हमारे पास इस छोटे से इस तरह के पप्पी के कॉलर हैं माय फ्रेंड, जैसे मेरे पकड़ा हुआ है, ये हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको अलग अलग साइज में। ये बेल बड़ी है, फिर छोटी बेल। छोटे पप्पी को बेल क्यों गले में डाली जाती है? क्योंकि जब हम नया पप्पी लेते हैं उसकी मूवमेंट बहुत कम होती है, वो खाता है, सोता है, और वो बहुत बढ़िया चीन है। जितना वो खाकर सोएगा उतना वो ग्रोथ करेगा, लेकिन वो सोता कभी कभी सोफे के नीचे, किसी कोने, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर हमें उसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बेल फिर हमें हेल्प करती है, किसी भी कलर में लो, किसी ये जितना लाइट वेट में रहेगा ना, जितनी बेल ज़्यादा साउंड करेगी उतना बढ़िया रहता है। क्योंकि ये आफ्टर 60-70 डेज या 90 डेज के बाद बेल हम उतार ही देते हैं नॉर्मल, ऑब्वियसली। लेकिन छोटे कॉलर जरूर लीजिए, साथ में लीश लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉलर उसके गले में छोटा जरूर होना चाहिए ताकि डॉग उसको यूज थ्रू हो जाए। उसके बाद जब भी आप का डॉग थोड़ा सा बड़ा हो तो उस इस तरह के आपको कॉलर्स हर एक साइज में, विदाउट इसमें कभी आपको बेल नहीं मिलेगी, इसमें बेल नहीं होती। और ये इस तरह के कॉलर, जैसे डॉग का बॉडी वेट 5-7-8 केजी तक जाता है, फिर उसके बाद 10-15 केजी तक जाता है, ये बड़े आराम से 150-200 में, ये कुछ 300 में, इनका साइज, इनका जो प्राइस होता है हमेशा, ये कितनी चौड़ाई में है उस हिसाब से साइज और क्वालिटी है, किस तरह की ये फिनिशिंग है, किस तरह, उस हिसाब से बढ़ता रहता है। ये आपको अलग अलग साइज में, अलग अलग कलरों में बड़े होने तक मिल जाएंगे। इसका प्राइस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुछ 350-400 रुपये का होगा। अब बाकी हमारा पानी www.bholachola.com पर, वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने अपने डॉग को फोटो शूट करना है, उसके लिए अच्छा कोई चेन होना चाहिए, इस तरह का छोटे से चोक चेन, प्रॉपर चोक नहीं है ये, वैसे एक्सेसरी के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि आने वाला समय विंटर का है, गर्मियों में ये कभी कभी डॉग को इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर्दियों में कंफर्टेबल रहता है। हर ब्रीड के लिए है, ये अलग अलग साइज में है, ये अराउंड कुछ अगर आप इस तरह के कलर में लोगे, सिल्वर में, तो ये सस्ता मिल जाता है, गोल्डन में ये महंगा होता है, लगभग 300 से लेकर 500-700 तक इसकी वैरायटी होती है अलग अलग। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोटे पप्पी या आजकल क्या है, अभी भी गर्मी है और बहुत सारे डॉगों को बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। जब हम उनको पानी बाउल में रखते हैं तो वो पानी के अंदर बैठ जाते हैं, गिरा देते हैं। और बार बार मैं कहता रहता हूँ वीडियो में कि डॉग को 48 घंटों से पहले नहलाइए, ना गीला मत होने दीजिए, नहीं तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इस तरह की वाटर बॉटल, या भर सकते हो कहीं पर, हैंग भी कर सकते हो उसके केज में, या कहीं भी आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर जैसे टेबल या कहीं चेयर के आसपास, तो यहाँ से वो जितना, ये एक बॉल की तरह है माय फ्रेंड, इसे जाकर वो अंदर को, जब उस दवाई का अपने जीप्स के साथ तो पानी निकलेगा, तो उसको ये हार्ड नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तो उस यहाँ से उसको पानी पीना आएगा, नहीं, ये बड़ी आसानी से पानी पीना यहाँ से डॉग सीख लेता है। तो इस तरह के अलग अलग कलर में, मेल है तो ब्लू कलर ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, फीमेल आपके पास है तो पिंक कलर या कोई और रेड कलर भी ले सकते हो। ये अलग अलग साइज में वाटर बॉटल, बड़ी छोटी आपको रखनी चाहिए।
आपका घर भी साफ रहेगा और डॉगी ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करेगा। जब भी हम नया पपी लाते हैं ना माय फ्रेंड, वो अपने भाइयों बहनों से अलग होकर आता है तो बहुत परेशानी होती है। पहली नाइट, पहला एक दो रातें जो पहली होती है ना, वो डॉग फिर रोता है, रात को डिस्टर्ब करता है। उसके लिए ज़्यादा फायदे होते हैं इस तरह के छोटे छोटे टॉयज, या आप स्टॉफ टॉयज भी यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक के टॉयज भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप नया पपी लेकर आओ, जहाँ भी उसको रखो, उसके बॉक्स में, केज में या कहीं भी बेड में, उसके पास एक छोटा सा स्टॉफ टॉय या इस तरह का प्लास्टिक टॉय ज़रूर रखिए माय फ्रेंड, क्योंकि इनको जब इसके ऊपर वो हाथ पांव या इसको पकड़ कर सोएगा तो उसको कम्फर्ट यही लगेगा कि मैं आई एम विद समवन, मेरे भाई बहनों के साथ या किसी के साथ हूँ। अपने साथ बेड में सुलाने की आदत डॉग को वैसे अच्छी नहीं होती, वो जितना उस चीज़ को अवॉइड करिए, हैंड फीडिंग और बेड पर सुलाने की आदत अपने साथ वो ठीक नहीं होती। बाकी आप हर तरीके का प्यार उनके साथ कर सकते हो, खान पान के मामले में कोई प्यार नहीं। और इस तरह का अगर आप छोटा सा कोई ना कोई इसमें साउंड भी है तो डॉग इसके साथ खेलेगा भी। जो पहला डॉग का टॉयज होते हैं ना, 90% डॉगी इसको कभी ख़राब नहीं करते, तोड़ते नहीं हैं, तो उसके साथ वो खेल भी सकता है। एक ये प्लास्टिक का एक और फ़ायदा ये है, जब छोटे पपी होते हैं ना माय फ्रेंड, उसके दांत बहुत तीखे होते हैं, क्योंकि हम पहले वो सारा माँ का दूध पीते हैं, फिर सारा लेक लेते हैं, फिर सारा लेक डॉग वाला, इंसानों वाला नहीं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो फीड कह लो वो भी हम उसको गीली कर कर पानी में सोख या दही में सोख कर कर देते हैं। इस तरह उनके दांतों की जो शार्पनेस जो होनी चाहिए कम होनी चाहिए होती नहीं है, तो इस तरह के प्लास्टिक के टॉयज काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर डॉग इसको चबाएगा तो दांतों की शार्पनेस कम होगी, जब वो हमारी तरफ प्यार करने आएगा, हमारे हाथों को पकड़ेगा या पाँव को, तो हमें उसके दांत उतने ज़्यादा चुभेंगे नहीं। तो ये टॉयज बहुत तरीके के तरह आपको हेल्प करेंगे माय फ्रेंड। उसके बाद बात आ गई कि जब डॉग को कंघी, देखो माय फ्रेंड, कंघी बहुत ब्रीड के हिसाब से किस तरह के बाल हैं उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इस तरह की भी कंघी होती है जो काफ़ी बारीक होती है, जो डॉग के ये स्टील के कह लो इनके नेल होते हैं, और ये लगभग आपको कुछ 150-170 रुपये के आसपास मिल जाएगी अलग अलग साइज़ में। ये अगर डॉग की बॉडी में गांठें हैं ना, गांठें चुड़ाने का काम करते हैं। उसके बाद इस तरह का ट्रेड, ये तो आप हर शहर में नॉर्मली मिल ही जाता है 150-200 के आसपास या 100 रुपये का साइज के हिसाब से। ये ट्रेडिशनली ब्रश कह लो, ट्रेडिशनली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराने समय से है, और लेकिन बढ़िया है इसलिए अभी तक भी सेल होता है। उसके बाद रहे इस तरह के, जब कुछ आजकल कह रहे हैं कि जिनके पास लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड है ना, उनको बालों की गांठें छुड़ाने में जब बहुत दिक्कत आती है तो ये चीज़ हेल्प करती है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं, उसके बाल उखड़े ना, लेकिन फिर भी गांठों को हेल्प करता है। वैसे बहुत सारी ब्रीडों, जिनके ब्रीडों के बाल लंबे हैं, तो इस तरह का हार्ड वाला काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन मेरा जो पर्सनली फेवरेट होता है वो मैं हमेशा ये चीज़ यूज़ करता हूँ, या आप नहीं, हाँ, आड़ में डाल सकते हो। और ये डॉग को मसाज करने में भी काम आता है, उसके बाल बड़े हों छोटे हों, थोड़े जैसे मेरे पास बूजो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी सभी ब्रीड के ऊपर अच्छी तरह ये यूज़ करता है। बाथिंग नहलाने के काम भी है, मसाज के काम भी है, बाल साफ सीधे करने के या टेंगल फ्री रखने के, बहुत चीज़ों में ऐसा। अलग अलग तरह के ग्लव्स होते हैं, ये भी 200-250-300-500 अलग अलग वैरायटी के हिसाब से मिल जाती है। और एक इस तरह का भी कुछ है ब्रश, ये देखिए पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा है, तो ये कुछ है इस तरह का, उखड़ गया सॉरी। तो ये भी आप चीज़ फ़ायदेमंद है। डॉग को टॉयस जरूर दीजिए, किसी भी प्रकार के टॉयस हैं वो, अगर आपके, देखो डॉग तीन तरह की चीज़ ज़्यादातर खाना पसंद करता है, एक होता है प्लास्टिक, राइट, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, एक होते हैं इस तरह के प्रोटीन कैल्शियम बोन, माय फ्रेंड बहुत अलग अलग कहते हैं इसको, वैसे ही प्रोटीन के बोन होते हैं, और ये अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं। एक होते हैं इस तरह के लकड़ी के, ये भी अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं, ये भी लगभग 30-50 रुपये के वन पीस स्टार्ट होकर 250-300 तक चलता है। इसका जितना मोटा है, जितना लंबा है, उस हिसाब से साइज़ होता है। इनका भी मोटाई और लंबाई के ऊपर प्राइस होता है, ये भी 100-150 रुपये से शुरू होकर 300-400 तक चले जाते हैं। लेकिन आपका डॉग अगर लकड़ी चबाना पसंद करता है तो इस तरह का बोन देना, डंबल बहुत बढ़िया रहता है, साफ इसको धो भी सकते हो, वॉश भी कर सकते हो आप इसमें। आप अगर कोई फ्लेवर उसका फेवरेट है, जैसे उबला हुआ अंडा या कोई चीज़, तो इसमें आप ऐसे अपने हाथ से वो लगाकर अंडा यहाँ लगाते हो, तो उससे भी वो उसको बिजी रहेगा। इसमें तो प्रोटीन आप जानते ही हो, वो आता है स्मेल, तो उसमें डॉग खाता ही पसंद करता है। और तीसरा जो प्लास्टिक, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं टॉयस, ये तीनों प्लास्टिक, लकड़ी और यहाँ इस तरह का बोन, ये ज़रूर दीजिए डॉग को। इसके हेड का साइज़ ग्रो करता है, इसका दांतों की शार्पनेस कम होती है,
और वैसे भी डॉग बिजी रहता है अपने आप को, फिजिकल एक्सरसाइज कह लो, वो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। उसके बाद मैं फ्रेंड देखो, बहुत सारे फ्रेंड डिमांड करते हैं कि मैं अपने डॉग को हार्नेस पहनाना चाहता हूँ। गर्मियों में जब हम डॉग को चेस्ट बेल्ट या हार्नेस कहते हैं जो यहाँ पर डाली जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप इससे आसानी से समझ जाओगे, ये वाली चीज़, ये बड़े डॉग की है वैसे। गर्मियों में अगर हम ज़्यादा इसको पहनाते हैं तो यहाँ पर डॉग के रैशेस हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, या कभी कभी ऊपर हो जाते हैं। तो अगर आपका डॉग कंफर्टेबल है तभी पहनाइए, नहीं तो बड़े डॉग को इसकी आदत डालने में हमें बहुत समय लगता है। छोटे एज से ही अगर आप उसको हार्नेस पहनाओगे, चाहे वो कोई भी ब्रीड डॉग के पास, जरूरी नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स ये मानते हैं कि जिनके पास बॉडी वेट 25-30 से ऊपर जाने वाली ब्रीड होती है उनको ही हार्नेस अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। पग पमेरियन को भी आप हार्नेस डाल सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ, ये वाली छोटी है, ये नेट वाली हार्नेस है और इसका प्राइस कुछ होगा माय फ्रेंड अराउंड 300-200 के आसपास, अलग अलग साइज में। और बाकी रहे, हाँ, इस तरह के हार्नेस भी होते हैं 150-200 के अराउंड आसपास आ जाते हैं, ये छोटे पप्पी के हैं, ये एडजस्टेबल भी हो जाते हैं यहाँ से। ये पग पमेरियन छोटी ब्रीड, बड़ी ब्रीड, अलग अलग साइज में, ये इनका भी साइज के हिसाब से प्राइस होता है, 150-200 से शुरू हो जाते हैं। लेकिन हार्नेस की आदत डालिए, डॉग को इजी कंट्रोल आप कर सकते हो। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं गले से पर ज़रा जोर भी नहीं पड़ता जब डॉग पुलिंग करता है, पुशिंग करता है, वो जी ज़्यादा बेटर है हार्नेस उसके लिए। तो ये अलग अलग साइज में है, अगर आपके पास मेल है तो अलग कलर चूज कर सकते हो, फीमेल है तो अलग कलर चूज कर सकते हो। और कुछ डिज़ाइनिंग, जैसे आने वाला समय फ़ोटोशूट, बहुत सारे फ्रेंड क्योंकि गर्मियों में इतना फ़ोटोशूट, या बहुत सारे मेरे को ही फ्रेंड कह रहे हैं कि फार्म का विज़िट करवाइए, वीडियो डालिए। दिक्कत क्या थी फ्रेंड, गर्मियों में उतना कंफर्टेबल वेदर नहीं होता, डॉग खाली सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ही मस्ती करते हैं ज़्यादातर, वो अपने कमरों में पंखे के नीचे, कूलर, एसी, जो भी हर एक घर में जो सुविधा है आप जानते हो, वहीं पर ज़्यादा बैठे रहते हैं। तो सर्दियों का समय अच्छा मस्ती का होता है डॉग के साथ, डॉग कंफर्टेबल रहता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब भी उसकी कोई वीडियोस फोटोज लेते हो तो वो बहुत बढ़िया आती हैं, क्योंकि वो एक तो वेदर हेल्थी होता है, एक्चुअली में फोटोशूट होना चाहिए वैसा ज़्यादातर सर्दियों में ही होता है। तो इस तरह के अलग अलग आप चेन्स, चोक चेन्स कह लो, कॉलर कह लो, इस तरह के अलग अलग हैं जो आप उनको पहना कर सर्दियों में, आपके शहरों में भी पेट शॉप्स में भी मिल जाएंगे अलग अलग तरह के जो। तो ये सिर्फ ओनली एक्सेसरीज मैं कहूँगा, कंटिन्यूस नहीं इसको मैं रखूँगा, कहूँगा पहनाइए, जब आप सुबह शाम वॉक देते हो तब पहना सकते हो, जब आप फोटोशूट करना है तब पहना सकते हो, लेकिन रेगुलर के लिए तो एक नॉर्मल कॉलर ही, जो ज़्यादा चुभे ना, कोई ज़्यादा हर्ट ना हो, इस तरह के नॉर्मल कॉलर ये लगते भी नहीं है ना हमें ना उनको, क्योंकि हम प्यार करते हैं कभी कभी, तो इस चीज़ इस तरह की जो थोड़ी सी शार्पनेस चीज़ है ना, ये हमें लगने का डर रहता है जब वो हमारे पास भाग कर आते हैं। तो इस तरह की चीज़ कंफर्टेबल नॉर्मली है, ये सिर्फ खाली दो टाइम वॉक के लिए एक्सेसरी की तरह, जैसे अक्सर हम शादी ब्याह में जब जाते हैं या किसी पार्टी वगैरह में या किसी प्रोग्राम में, तो एक्सेसरी अलग होता है हमारा वहाँ पहनावा, और घर में अलग, इस तरह के थोड़ा डॉग का चेंज ज़रूर होना चाहिए। टिक्स के रिलेटेड वैसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं कि उसके लिए बॉडी वेट के हिसाब से रीढ़ की हड्डी पर डालने वाला स्पॉट ऑन यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉलर भी अच्छा होता है, लेकिन ये गीला ना हो, जब तक ये गीला नहीं है तब तक ये रिजल्ट बहुत बढ़िया देता है, लेकिन एक बार गीला हो गया या बारिश में, या आपको नहलाते समय इसने आपने उतारना भूल गए, तो ये फिर कहो दिक्कत करता है। छोटे पपी से लेकर बड़े तक कॉलर हर साइज़ में अवेलेबल होते हैं, 300-500 के हिसाब से प्राइस होता है, ये भी साइज़ लंबाई के हिसाब से या मोटाई के हिसाब से इसका प्राइस होता है। ये कुछ चीज़ें फ्रेंड आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी एक ना बहुत ये है मेशरिंग, फीड मेशरिंग कप, इसके अंदर वो 100 ग्राम 50 ग्राम की लाइंस बनी हुई हैं, शायद आपको दिख नहीं पा रहे, तो ये भी कुछ 200-300 रुपए का आ जाता है। इसमें फिर क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रीड होती है ना, उसको हमने कल कितनी फीड डाली, या आप अगर घर से बाहर जा रहे हो तो घर वालों को पीछे कहना है कि इतने ग्राम फीड, आप यहाँ पर अपने पेंटल पेन के साथ मार्किंग भी कर सकते हो कि मैंने, क्योंकि हर हफ्ते 10 दिन के बाद डॉग की डाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, तो इस हिसाब से फिर आप वहाँ कितनी उसको फीड डालनी है आप खुद डाल सकते हैं। और एक इससे मेन क्या होता है ना कि हमारी जब हम डॉग का बर्तन धोते हैं उसके बाद हमारे हाथों में थोड़ा मॉइस्चर या पानी रह जाता है, फिर हम डायरेक्टली बर्तन ऑब्वियसली साफ़ करने के बाद ही डॉग को खाना देते हैं, तो वो मॉइस्चर फिर फीड में चला जाता है। ये चीज़ काफ़ी कम्फर्टेबल है कि आप इससे भरिए डालिए आपका फीड की, देखो फीड में जितना फैट प्रोटीन या जो भी उसकी गुणवत्ता है उसका रिजल्ट तभी तक अच्छा रहता है जब तक डॉग का फीड मॉइस्चर में टच नहीं करेगा, जितना वो सूखा ड्राई रहेगा उस उतना ही, जिस भी कंपनी के आप फीड कोई भी यूज़ करते हो
वो हमेशा कहा जाता है कि इतना ड्राई रखोगे उतना उसमें जो फैट फैट प्रोटीन फाइबर लिखा होता है उतना रिजल्ट बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके साथ शेयर की मैं फ्रेंड। और एक और बात जो अभी सर्दियों में जैसे आ रहे हैं, सर्दियों में जो बहुत सारे फ्रेंड लार्ज ब्रीड्स रखते हैं ना, वो इस तरह के लेदर के अलग अलग लीशेस लेना पसंद करते हैं ये भी। और इसमें से मेरे को पसंद क्या है, ये वाली, ये इसके स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत सारे फ्रेंड के जो ब्रीड है ना वो पुलिंग करती है, वैसे पुलिंग करवाना अच्छी बात नहीं होता, करना वो डॉग को शुरू से आप कंट्रोल रखिए, लेकिन फिर भी कभी आप खड़े हो या डॉग आपको खींचता है ना, तो सर्दियों में बहुत सारे मेरे भी पर्सनल कभी एक्सपीरियंस हुआ है, तो यहाँ और यहाँ फिर दर्द होना, पेन होना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी आपके लिए, क्योंकि शौकर है आपके वहाँ, जब वो डॉग सडनली आपको खींचेगा भी या खड़े खड़े अचानक वो कहीं दूसरी तरफ किसी ने कुछ देखा डॉग ने वहाँ वो चला गया, तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, डॉग के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। वो दर्द अगर हमें होता है तो डॉग को भी होता है, हमारे पेट को भी होता है, तो ये दोनों की सेफ्टी के लिए है। और ये अलग अलग तरह, ये मेरे को ज़्यादा पसंद इसमें से ये आया कि इसका लॉक जो है ना वो टूटने वाला नहीं है इतनी आसानी से, और खुलता भी बाहर को है। बहुत सारे हम जब डॉग को लेकर जाते हैं कहीं डर रहता है कि लॉक अचानक से खुल ना जाए, डॉग भाग ना जाए, रास्ते में पकड़ूंगा कहाँ से, तो ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। और एक इसमें से मैं आपके और शेयर करना चाह रहा हूँ, इसमें जो ये लीश है ना, इसके आप ये देखोगे कि इसमें 90% जो भी हमारे कॉलर होते हैं ना वो इस तरह ही लगाए जाते हैं। और ख़ासकर गर्मियों में क्या दिक्कत आती है कि ये जो चीज़ होती है ना ये डॉग को चुभती है, और इसमें बहुत सारे डॉगों के स्किन की प्रॉब्लम, घाव बॉडी में, बाल झड़ना सीख, तो यहाँ पर एक अलग से इसके प्रोटेक्शन के लिए ये लेदर दी हुई है। तो अगर आपके डॉग को इसको पहनाओगे तो इसमें कोई बालों वाली ब्रीड में ज़्यादा सा दिक्कत आती है, वो जहाँ जिसकी ब्रीड के बाल बहुत छोटे हैं अमेरिकन बुली, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, उसको नेक में कोई बाल गिराना, उखाड़ना, इंजरी होने का या घाव होने का डर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं फ्रेंड आपके साथ शेयर की, छोटे डॉग से लेकर बड़े डॉग तक। हाँ, जो बर्तन है उसका, वो छोटे डॉग का हमेशा बर्तन छोटा ही हो तो ज़्यादा बेटर है, किसी भी प्रकार में आप बर्तन ले सकते हो, अलग अलग छोटे बड़े आते हैं, समथिंग है जैसे ये वाले हैं, तो ये बर्तन छोटा बर्तन लोगे तो इसलिए फायदेमंद है, कि नहीं तो बड़ा बर्तन अगर लेते हैं ना, कभी कभी सोचते हैं कि यार इसने बड़ा ही होना है, हम बड़ा बर्तन ले लें, तो फिर डॉग कभी कभी उसमें खुद चला जाता है, बैठ जाता है, अपने पाँव रख लेता है, फिर वो अपना खाना भी गंदा करता है, पाँव भी गंदे कर लेता है, फिर जहाँ चलता है वहाँ भी सब गंदा कर देता है। तो छोटा हमेशा ही आप लीजिए, जो वो डॉग अंदर जा ही ना पाए, उसका पाँव सफिशेंट हो, हाइट उसकी ब्रीड के हिसाब से। तो इसमें अलग अलग इसका मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसको, इसमें पानी रख, अलग से पानी डाल सकते हो इसमें खाना, क्योंकि बहुत सारे डॉग ड्राई फीड खाना पसंद करते हैं, या खाने के बाद तुरंत थोड़ा लिक्विड, दही, लस्सी कुछ भी आप डाल सकते हो। तो ये अलग अलग दो पोर्शन हैं। तो फ्रेंड इस सीज़न आप पपी ज़रूर लीजिए, लेकिन मेरी मोस्ट 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 रिक्वेस्ट क्या है, जितना आपके पास समय है, जितना आपका घर बड़ा है, उस हिसाब से आप पपी चूज लोगे और सही एक्सेसरी लोगे तो ही आप डॉग के लिए, डॉग ऐसा ना हो कि डॉग लेकर आपकी सरदर्दी बढ़े, आपकी एक्चुअली सरदर्दी कम होनी चाहिए, क्योंकि आपका फैमिली मेम्बर है वो आपकी कह लो कि इस मुश्किल समय में आपके साथ अपने हैप्पीनिंग्स शेयर करने या आपको खुशी देने आया है। ये ना हो कि आपको लगे कि यार ये तो बर्डन पड़ गया मेरे सर के ऊपर। तो ये एक्सेसरी जरूर लीजिए। नए सीज़न जैसे आप दिवाली दशहरा हम अपने घरों को सजा रहे हैं, साफ़ सुथरा कर रहे हैं, उस तरह हमारे पेट के लिए भी उसका एक नई कुछ एक्सेसरी आएगी तो बहुत वो खुश होगा। तो एक्सेसरी अवेलेबल है हमारी ऐप में, एंड्रॉयड आईफोन पर हमारा ऐप है जैसे आप जानते ही हो भोला छोला के नाम से, और www.bholachhola.com वेबसाइट, कहीं भी आप जा सकते हो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपके घर तक डिलीवर होगी, प्रॉपर गवर्नमेंट के सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी गाइडलाइंस, डिसइनफेक्ट, सैनिटाइज या जो भी वर्ड यूज़ करते हो वो सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा। बाय फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। भोला छोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला छोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस
और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।